इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है और झटका यह है कि पनामा लीक केस में दोषी करार दिया गया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, अब पाकिस्तान के पीएम नहीं रहेंगे नवाज शरीफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुना दिया गया। नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दिया गया, उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से। तो नवाज का नाम पनामा पेपर में आया था और यह मामला 1990 के दशक में उस वक्त धन शोधन के जरिए लंदन में संपत्ति खरीदने से जुड़ा है। लंदन में संपत्ति खरीदी गई थी, उस मामले से जुड़ा यह मामला है जब शरीफ दो बार प्रधानमंत्री बने थे। और इस बीच जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसला यह है कि अब पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ नहीं रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें दोषी करार दिया गया है। शरीफ के परिवार की लंदन में इन संपत्तियों का खुलासा पिछले साल पनामा पेपर्स लीक मामले से हुआ था और इन संपत्तियों के पीछे विदेश में बनाई गई कंपनियों का धन लगा हुआ है और इन कंपनियों का स्वामित्व शरीफ की संतानों के पास है। को बाज़मीर सहाफी हज़रात को और उन तमाम लायर्स और सियासी वर्कर का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने 11 महीने के इस तवील जद्दोजहद में हमारा साथ दिया। मेरे बाद दूसरे पार्टियों ने भी सुप्रीम कोर्ट आने का फैसला किया, हमारे साथ खड़े रहे और इस पूरी मुहिम में हमारे साथ शरीक रहे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, लेकिन मैं अपनी कौम के साथ आज ये बात करना चाहता हूं कि ये मंजिल नहीं है। नवाज शरीफ साहब के खाते में से जमहूरियत पर 35 साल कब्जे का खात्मा हो गया, 35 साल खानदानी बादशाहत का खात्मा हो गया। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये देख का एक चावल है, ये तालाब की एक मछली है जो पकड़ी गई है। ये सारा देख, इस सियासी कल्चर में ये सारे चावल, ये सारे मछलियां ऐसी ही है जिसका किरदार, जिस तरह किरदार नवाज शरीफ साहब का है। हम 1996 से करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, हमने कुर्बानियां दी, हम जेलों में गए थे, हमारे कारकुनान शहीद हो गए थे। कादी हुसैन अहमद साहब को दिन के रोशनी, तो उनके समर्थक अपनी बात रख रहे थे। और बड़ी खबर इस वक्त जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है। आज का दिन उनके लिए बहुत खास था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर पहले इस मामले पर सुनवाई हुई थी और जो निकल के सामने आया वो ये है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला ये लिया कि दोषी, भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी करार दिया है और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ नहीं रहेंगे, उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है। नवाज का नाम आपको बता दें, पनामा पेपर में आया था और यह मामला 1990 के दशक में उस वक्त धन शोधन के जरिए लंदन में संपत्तियां खरीदने से जुड़ा है और उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी करार दिए गए हैं नवाज शरीफ के परिवार की लंदन में संपत्तियां हैं। पनामा पेपर्स लीक में यह खुलासा हुआ था, इन संपत्तियों के पीछे विदेश में बनाई गई कंपनियों का धन लगा हुआ था।